ओ भाई ये वॉच सच में काम करते हैं ये देखो कितना ज्यादा टाइम स्पीड हो गया अभी रात था अभी दिन हो गया हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले ऑफ माइनक्राफ्ट वाओ तो बहुत दिन हो गया हम लोग माइंड क्राफ्ट इतना दिन बाद और आज हम लोग आए हैं ऐसा वाला वर्ल्ड में जहाँ हम लोग टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं मतलब हम लोग टाइम को स्टॉप कर सकते हैं टाइम को एक्सलरेट कर सकते हैं पर उसके लिए हम लोग को बहुत सारा सामान चाहिए होगा और हम लोग को दो मजेदार क्लॉक बनाने को मिलेगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल बने तो सब्सक्राइब करो फिलहाल हम लोग अपना ट्रेडिशनल काम करते हैं माइंड क्राफ्ट में परम्परा प्रतिष्ठा अनुशासन जो है लकड़ी तोड़ना क्राफ्टिंग टेबल बनाना और कुछ सामान बनाना क्योंकि हम लोग को आज माइनिंग भी करने जाना पड़ेगा नीचे क्योंकि हम लोग को बहुत सारा गोल्ड भी चाहिए क्योंकि जैसा आपको पता होगा अगर अगर आपने माइनक्राफ्ट में क्लॉक बनाया है जो कि सबसे फालतू आइटम है कोई बनाने का मतलब है नहीं पर अगर आपने बनाया है, तो आपको पता होगा वो रेड स्टोन और गोल्ड से बनता है तो हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा माइनिंग करने के लिए गोल्ड और रेड स्टोन का और हम लोगों को फिर और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए वैसे जैसे जैसे हम लोग को सामान चाहिए होगा हम लोग ऐसे वीडियो में खटक हो भाई ये कहाँ चढ़ा हुआ है भाई ये लोग को अलग ही नशा हो रहा है भाई ये तो कुछ काम भी नहीं करते ये ऊपर देख के ऊपर चढ़ के क्या कर रहा है फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक विलेज मिल चुका है और यहाँ पर कुछ खाने का जुगाड़ तो हो जाएगा कम से कम यहाँ पटेटो है यार तीन दो ब्रेड रखा है बस ये थी, यार तीन पटेटो दो ब्रेड क्या होगा इसे चलो हेबल तोड़ लेंगे बाकी हम लोग को वैसे यहाँ रुकना नहीं है ज़्यादा देर पास हम लोग को अपना क्लॉक बनाना है और काम करना है और टेस्ट करना है भाई सोचो रियल लाइफ में ऐसा हो गया टाइम को आप एक्सलोरेट कर सको अपने हिसाब से और स्टॉप कर सको तो कितना ज़्यादा बढ़िया होगा फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना सबसे पहले रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर दिया ताकि मैं मरूँ अगर अंडरग्राउंड माइनिंग करते हुए तो यहीं पर आके सेट मतलब यहीं पर आके रिस्पॉन्ड होने तो भाई इधर उधर रिस्पॉन्ड होंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी लाल अपना तैयारी करते हैं नीचे माइनिंग करने जाने के लिए पर उससे पहले मेरे को यहाँ पर शायद आयरन कोलम भी होगा विलेज है तो वहाँ से थोड़ा आयरन भी लेना होगा और मेरे को पिकक्स बनाना पड़ेगा आयरन का क्योंकि मेरे को गोल्ड का माइनिंग करना है और आयरन भी रेड स्टोन निकालने के लिए भी मेरे को आयरन का पिकस चाहिए देखो कि यहाँ तीन तरह का हम लोग क्लॉक बना सकते हैं ये टाइम एक्सलोरेशन स्टॉप वॉच और प्लेयर को स्टॉप करने वाला प्लेयर तो हम लोग का है नहीं कोई इसमें हम लोग सिंगल प्लेयर खेल रहे हैं तो हम लोग बस दो तरह का बनाएंगे टाइम एक्सलोरेसन और स्टॉप वॉच तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है टाइम को मैनिपुलेट करने में और एक्सलोरेट करने में और स्टॉप करने में तो देखते हैं हम लोगों को सबसे पहले क्लॉक का रेसिपी चार गोल्ड एक रेड स्टोन चाहिए मतलब हम लोगों को फटाफट से निकलना पड़ेगा माइनिंग के लिए यार बहुत देर लगेगा नहीं तो इतना सारा गोल्ड चाहिए भाई गोल्ड का ब्लॉक भी चाहिए टाइम स्टॉप करने के लिए और एंडर पर भी चाहिए मतलब हम लोग को एंडर मैन को भी मारना चढ़ेगा मारना पड़ेगा और उसको फिर लेके जाना पड़ेगा मतलब वहाँ से नदर से हम लोगों को एक या दो ब्लेज रॉड भी लाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को आई ऑफ़ एंडर चाहिए एंडर पर तो कुछ होने वाला नहीं है फिलहाल चलो फटाफट से जो मैंने बेसिक टूल्स रहते हैं लकड़ी का वो तो बना लिया यहाँ से एक बेड ले लेते हैं ताकि अगर नीचे कहीं फंसे तो हम लोगों को सोने का काम आ जाएगा अगर रात हुआ और हम लोग ज़्यादा मॉब्स के बीच में फंस गए तो समझ लो ना बैकअप के लिए रख लेते हैं एक तो फ़िलहाल भाई अपना कहाँ गया गोलम प्यारा गोलम को ढूंढते हैं और उसको भरते हैं भाई सबसे पहले वो रहा भाई आग भाई गोलम क्या कर रहे थे इतने दिन, दिन से मज़ा आया ना मेरे बिना तुम क्या मुर्गी मेरे को मेरे को आग दिखाएगा इसका भी जरूरत पड़ेगा कहीं क्योंकि मेरे को इसका फैदर चाहिए फैदर भी काम लगने वाला टाइम है में

इधर आ इधर आ बेटा बहुत ज्यादा अरे मेरा तलवार गया ऊपर लटका हुआ है देखो देखो भाई देखो इतना ऊपर कैसे गोलम पहुंच सकता है भाई तीन ब्लॉक तो बनाए हाँ तीन ब्लॉक हाइट पे तो गोलम नहीं पहुंच सकता था क्या चल रहा भाई पता नहीं ये अलग ही ग्लिच चल रहा है ये देखो लकड़ी तोड़ दिए तब भी गायब नहीं हुआ हद है भाई क्या हो रहा है ये ओ मजाक चल रहा है क्या हो गया हो गया गायब हो गया देखो तीन तीन ब्लॉक मैंने कलेक्ट किया ये लास्ट वाला देखो तीन ब्लॉक का मैंने हाइट बनाया था और तीन ब्लॉक में मार कैसे दिया वो गोलम पता नहीं भाई उछल के अलग ही एक ही बार मार हम खत्म हो गए कहते जहर भाई मेरा चलो सब टूल्स तो मिल गया डर तोड़ लेते इस बार भाई उसके बाद गोलम भाई वुड क्या हंस रहा मेरे ऊपर तुमसे ले ले मजा आया ना और हंसेगा मेरे ऊपर भाई हम तो गोलम को मारने के लिए डर इकट्ठा कर रहे थे ये देखो यहाँ पर खाट का वह बेचारा अच्छा है मेरे लिए बेचारा क्या इसने मेरे को मारा था भाग मरता भी नहीं है यार कितना कितना डैमेज खाएगा वो टूटा 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 जल्दी मर भाई तलवार तो मारे एक से भी नहीं इतना कम क्यों डैमेज हो रहा है इसको अरे इसकी भाई हाफ आर्ट कर दिया ज्यादा क्लोज चल गए थे रुको भाई रिजनरेट होने दो पहले फिर से मार देगा नहीं तो मरता भी नहीं है भाई कितना खाएगा पाँच छ तलवार से ज्यादा मार चुके हैं स्टोन का तलवार बना ले शोट बना लेने, बना लेने था मेरे को भाई साहब इतना थोड़ा सा एच बचा हुआ है मेरा अगर एक बार इसने मेरे को हाथ लगाया तो हम खत्म हो जाएंगे भाई मर जाना क्या करेगा जिंदा रह के तुम ऐसे भी टूट गया है ये विलेजर लोग क्या देखो सो देख रहे इसका मर रहे भाई मेरे को मार दिया भाई इसको बताना पड़ेगा अब तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई टूटने वाला था ये मेरे को मार गया ज़्यादा क्लोज चल गया हम लोग बस ये लास्ट बार मारेंगे हम लोग और ये मर जाएगा पक्का वही वि वि विलेजर लोग यहाँ शो देख रहा था मेरा मरने का शर्म नहीं लगता है लोग को बताते भाई तुम लोग अभी बारी आने आएगा पहले इसको मारते हैं निपटाते हैं फिर तुम लोग को बताते हैं मेरा ऊपर हसर तो ये कैसे मजा आया बेटा इतनी इतनी खुशी खुशी और और मजाक करो मेरे साथ तू कहाँ गया कहाँ गया कौन यही यही ये, ये, ये वलेजर था यही विलेजर है रहा मेरा पर ओए ओए सुन सुन ये कहाँ गया भाई ये हाँ ये 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 विलेजर था ना तो पहले अपना आयरन सर समेट लो भाई बहुत मुश्किल से मिला आईरन, आईरन, जर, जर। गयी गयी है आयरन पाँच आयरन बहुत जर बात था तुम हाँ आयरन को मेरे को मार दिया बात फैलाएगा तुम चले पिक को भी मार दिया पिक को बता रहा था ये कहाँ भाग के जाएगा तुम तो? चलो ठीक है इससे से तो बदला हम लोग ले, ले लेंगे बाद में फ़िलहाल अपना जो ज़रूरी टूल्स है इसका घर में कुछ है कि नहीं कुछ रखा है चेस्ट भाई चेस्ट भी खाली है कैसा विलेजर है यार कुछ काम धंधा करो चेस्ट भर के रखना चाहिए था ना सबसे पहले अपना हम लोग पिक एक्स बना और माइनिंग में चलते गए फटाफट बहुत देरी हो जगह ने तो इतना देर हम लोग वेस्ट कर दिया टाइम मैं सोच रहा था आसपास कोई बड़ा केव मिल जाए तो हम लोग को आराम से मिल जाएगा रिसोर्सेज पर कोई केव नहीं मिला तो अब हम लोग को यहीं से नीचे माइनिंग करना चाहिए विलेज से माइनिंग करते यार इधर उधर से माइनिंग करने से अच्छा यहीं पर निकलेंगे ऊपर यहाँ सेफ्टी भी रहेगा भाई जब बनाओ विलेज में विलेजेस मिलेंगे थोड़ा अकेले डर भी लगता है चलो फटाफट से हम लोगों को अंदर थोड़ा डीप माइन करते हैं हम लोग को स्टोन का टूल्स में भी अपग्रेड करना पड़ेगा पेकैक्स क्योंकि मेरा लकड़ी वाला ज़्यादा चलने वाला है नहीं फटाफट चलो ये बहुत नीचे जाना पड़ेगा हम लोग यार ओ भाई साहब ये देखो कितना ऊपर से हम लोग होते हैं और सेवन कोऑर्डिनेट पे हम लोग को फाइनली मिल गया भाई खतरनाक ये रहा हम लोग आयरन का पिक एक्स गोल्ड तोड़ो भाई जितना गोल्ड हो सके सब निकालो हम लोग को गोल्ड का ब्लॉक भी बनाना है तो हम लोग को ढेर सारा गोल्ड चाहिए होगा और फिर मेरे को हाँ रेड स्टोन भी चाहिए होगा फटाफट से यहाँ से जितना भी गोल्ड है सब निकालते ऊपर एक माइन शाफ्ट भी था पर वहाँ पर माइन शाफ्ट में कोई रास्ता नहीं था हाँ मैंने वहाँ पर बहुत जरूर देखा था क्या बोलते उसको रेड स्टोन हाँ रेड स्टोन देखे थे पर गोल्ड मेरे को मिला नहीं तो मैंने डायरेक्ट नीचे ही माइन करने लग गया अब इसके नीचे माइन हो नहीं पाएगा भाई मेरे को नहीं लगता पर देख लेते हैं फिर भी चलो ऊपर माइंडाफ्ट माइन शाफ्ट में जाके देख लेते हैं वहाँ कुछ रेस्टोरेंट के अलावा कुछ और गोल्ड उल्ड मिले तो ठीक है नहीं तो फिर हम लोग को दूसरा जगह जाना पड़ेगा माइनिंग करने यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है कहाँ गया कहाँ गया यहीं तो था भाई पहुँचे नहीं अभी तक क्या बस हाँ पहुँच गई है देखो माइन शाफ्ट ये रहा किस तरह ओ भाई स्केलेटन इसकी की लोग आगे आ जा बेटा आ जा अरे स्क्वाड की जगह क्या खुल रहा है मेरे से अरे स्वाट कहाँ गया मेरा क्या हो रहा है ये क्राफ्टिंग टेबल खुल रखा गया दो दो क्राफ्टिंग टेबल रखा गया भाई मर गया भाई मर गया तीन आट है चलो कोई नहीं अच्छा हाँ एक बार जब मैंने आने को पहला बार मारने कुछ क्या था तब उसे मेरे को मारा था उसके बाद दोबारा हम क्राफ्टिंग टेबल बनाए थे क्योंकि मेरे को अपना क्राफ्टिंग टेबल मिल नहीं मिला था कहाँ देखे तो हम लोग रेस्टोरेंट फटाफट जाके हम लोग को निकालना पड़ेगा रेस्टोरेंट निकालते फटाफट से और चलते हैं भाई यहाँ से ओ भाई फाइनली दिख गया वापस से ये रहा लैपस लुकूजी का बगल में रेड स्टोन यहाँ तक हम आए थे देखो यहाँ टॉर्च लगा हुआ है ना यहाँ तक हम आए थे फिर सोचे गोल्ड तो है नहीं रेड स्टोन लेंगे बाद में आके उसे हमें निकालना चला दोबारा वापस आना पड़ा इतना दूर चलो ठीक है जितना मेरे को चाहिए था रेस्टोरेंट बहुत कम चाहिए जाल चाहिए नहीं आ, मिल गया अब चलो फटाफट चलते वापस यार कहाँ से आए थे हम हाँ इधर से आए थे हम बस वापस चलते हैं और बनाते भाई अपना क्लाग मज़ेदार वाला इसकी भैंस की टाइम कहाँ गया कहाँ गया अरे सुरंग कहाँ गया हम लोग यहीं तो खो देते सुरंग पूरा ऊपर से हाँ ये रहा चल चलो इस ब्लॉक लगा के ले चलते ऊपर और मिलते गए आपसे ऊपर फटाफट से भाई पहुँच गए इतना देर हो गया रात हो गया फिर से पता नहीं अभी कुछ बनाने का मूड में है नहीं हम फटाफट से सोते हैं भाई ये ये घर खाली है ये सही है यहाँ का विलेजर पता नहीं कहाँ घूम रहे अपना घर छोड़ के पटी के मेरे लिए हमको तो सोना भाई फटाफट सोते दिन करते उसके बाद देखते हैं अपने पास क्या रिसोर्सेज है क्या क्या करना है हम लोगों को भाई बारिश क्यों होता रहता है यार गंदा लगता है बहुत बारिश यार यहाँ पर रखते हैं हम लोग पहले अपना फर्नेस फूड पकाते हैं क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्टिंग हाँ, टेबल फर्नेस बनाए भी नहीं थे यार फर्नेस बनाते फूड पकाते खाते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या क्या चाहिए क्लॉक क्लॉक बनाने के लिए हम लोग को नॉर्मल क्लॉक बनाने के लिए तो रिसोर्सेज हो गया पर हम लोग को टाइम एक्सलेसन के लिए मुर्गी का फैदर मतलब आ, हाँ वही हैन का फैदर और एंडरमैन का वही पल भी चाहिए होगा और फिर हम लोग का नदर भी जाना पड़ेगा यार बहुत बहुत काम है ये जोमियाँ क्या, क्या कर और चल क्यों नहीं ओ ऊपर ऊपर शेड के वजह से बचा हुआ बैठे तुम रुक जाओ मरिया ठीक है ये भी यहाँ पर स्पाइडर थोड़ा ढूंढा नहीं करते भाई एंडरमैन दिन में तो उतना मिलता नहीं है ठीक है एक दो ही चाहिए मेरे को दो ही अंडरबल चाहिए क्योंकि दो ही स्टॉप वॉच और एक एक्सेलरेशन वॉच बनाना है मेरे को वुड भी तोड़ लेते हैं यहाँ से मेरे को क्योंकि जलाना वाला है मेरे को और इतना सारा आयरन का और आ, गोल्ड का भी तो कहाँ आ जाएगा उसमें कोल तो है नहीं ज़्यादा मेरे पास कहा जा रहा है भाई अरे ये दिन में तो माथा नहीं पालते गम चढ़े इसके ऊपर ठीक है चलो इसको ख़त्म कर दें वहाँ के ओ भाई मुर्गी भी ढूंढना पड़ेगा आज मेरे को तो बहुत सारा बहुत सारा नहीं दो फैसल तो है ही मेरे पास दो और चाहिए और मुर्गी क्या हाल चाल मरकाम क्योंकि मेरे को तेरा पंखर इधर इधर भाग है इदर, इदर तुम भाग आ भाग मेरे से भागेगा भाई मेरे को बस एंडरमैन चाहिए, दो, 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 चाहिए था बस एंडरबल के लिए रुक जाओ कहा गया भाई गायब हो गया दो एंडरमैन देखे थे अभी दोनों गायब हो गया दोनों नहीं दिख रहा मेरे को शेड भाई कहाँ वो, वो वो हो रहा वो रुक रुक, रुक इसकी लेन ले। तो भाग गया भाई पर यहाँ पर और एक अंडरमैन दिखा मेरे को ये ब्लॉक कहाँ पता नहीं ले जा रहा अपना घर पर उसको मार चुके हैं मेरा ऊपर हमला हो चुका है भाई मेरे को पीछे कुछ ब्लॉग्स चाहिए ताकि ये मेरा पीछे टेलीपोट हो गया बस ना मार पाए रुको यार मैंने वो इस टाइप का कुछ यहाँ पर मेरे को ब्लॉग लगा चाहिए था नहीं तो इधर से गया ये पक्का आ गया आ गया आ गया जा सही सही जा सही आ रहा भाई तुम जल्दी आ ये ये इधर टर्न करके हमको पता था इस साइड ब्लॉक रहता तो बस वो सांप नहीं साफ आता और हम लोग अब आके एंडरमैन भाई ट्रिक पता है ना मस्त वाला <laughs> एंडरमैन मैन एंडर पल का फार्मिंग कर मर गया चलो भाई एंडर पल नहीं दिया चीटिंग करता है भाई ये प्रैंक हो गया आपके साथ भाई एंडर पल नहीं दिया क्या है ये भाई शेड ब्रो ब्लॉक लेके हम क्या करेंगे ग्लास ग्रास भाई एंडर पर नहीं दिया यार क्यों दूसरा एंडरमैन को ढूंढो दूण भाई दो से मिल गया तो ठीक है नहीं तो मेरे को फिर और एंडरमैन ढूंढना पड़ेगा नहीं तो फिर नैदर जाके एंडरमैन मारना पड़ेगा वैसे नदर तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा ब्लेजर जो चाहिए वो रहा दूसरा एंडरमैन भाई रुको मेरे को पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा तरीक़े से मारेगा मेरे को यहाँ पर एक केफ टाइप को बनाना पड़ता है पड़ेगा ताकि अटैक नहीं करे मेरा ऊपर अटैक करके यही मेरे को मारेगा कवच मतलब पूरा ये भी नहीं मेरे पास किट भी नहीं है अभी आयरन का रेडी गाइस चलो इसको भागते अरे ये ये तुरंत मर गया वो भाई दो अंडर पल चल चल भाई ये वही वाला अंडर पैन था गई जिससे हम लोग पहले लड़ रहे थे वो के मैंने फालतू का बनाया पर ठीक है भाई साहब दो अंडरपल मिल गया भाई जल्दी जल्दी चलो भाई नेदर जाके मेरे को बस ब्लेज रॉड लाना है फिट प्रो बस गैस हम लोग ब्लेज प्लेजॉट लेके आते दो मिनट में उसके बाद हम लोग आई ऑफ एंडर बनाते हैं और फिर क्लॉक्स बनाते हैं ब्रो दो मिनट हो गए इस हम लोग जाके गए आए हम लोग तो भाई हो चुका है हम लोगों का पूरा तैयारी भाई हम लोग का आई ऑफ एंडर बन गया भाई नज़र से लाना थोड़ा मुश्किल था पर ठीक है हम लोग ने कंप्लीट किया और ये हम लोगों का पहला वॉच बनने वाला है जो कि होने वाला टाइम एक्सलोरेशन वॉच देखते हैं क्या होता भाई बन तो गया है इसको यूज कर करके करने से पहले सो जाते हैं क्योंकि रात में कुछ भी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे मुआवज्स रहते हैं पता नहीं क्या होने वाले इससे पर ठीक है ट्राई करते हैं हम लोग का स्पीड बढ़ेगा या वर्ल्ड का स्पीड बढ़ जाएगा या क्या होने वाला होगा इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई साहब पूरा वर्ल्ड को वर्ल्ड का टाइम ये मैनिपुलेट कर सकता ये है ये वॉच है सब फोट उ कर लेते हैं पता नहीं इसे क्या होगा हम लोग को फ़ायदा होगा या नुकसान पता नहीं पर ठीक है हम लोग जाके देखते हैं बाहर यहाँ पर स्पाइडर एक देने तो मारना नहीं चाहिए होपफुली वो कितना स्पाइडर है भाई यहाँ पर एक दो तीन स्पाइडर दिख गया मेरे को एक पीछे एक बगल में एक आगे ये क्या हुआ टाइम एक्सलेन टाइम हैज़ बिन एक्सरेशन ओ oh, भाई हम लोग स्पीड भाग रहे शायद ना uh, और कुछ भी हो रहा शायद नीचे कहते टाइम हैज़ बीन एक्सेलरेटेड यूज टाइम रेज्यूम टू रिटर्न भाई ये क्या देखो शिट ब्रो ग्लोब्स और जैसा घूमता वैसे घूम रहा पूरा ओ भाई कितना ज़्यादा स्पीड हो गया दिन से रात हो गया तुरंत खड़े खड़े हम लोग यहाँ पर जैसे आपको पता होगा इस माइनक्राफ्ट में एक दिन पूरा चौबीस घंटा बीस मिनट का होता है पर यहाँ पर दो बीस सेकेंड नहीं लगा भाई कंप्लीट हो गया पूरा एक साइकिल दिन का ये देखो कितना ज़्यादा औसम लग रहा भाई टाइम एग्जोरेजन सही है भाई हम लोग का स्पीड भी बढ़िया बहुत हम लोग का स्क्रीन देखो कितना ब्रॉड हो गया है सब मॉब से हम लोगों का स्पीड भी ज़्यादा हो गया हम लोग कितना ज़्यादा स्पीड भाग पा रहे हैं ये देखो अभी यहाँ पर ये क्रीपर एक्टिवेट हो गया हम लोग कितना दूर आ गए इससे जल्दी भाई साहब क्या औसम है ये क्या औसम क्लॉक्स है गाइस अभी सेकेंड स्टॉप वॉच तो बनाना बाकी है गाइस भाई साहब क्या मस्त लग रहा है टाइम एक्सोशन भाई तुरंत तुरंत दिन तुरंत तुरंत रात और जो वो चेंज हो रहा ना ऐसे टर्न हो के वो तो और आसान लग रहा भाई फटाफट फड़ जाते हैं भाई स्टॉप वॉच बना के देखते हो उसको क्या होता है वो भाई फिर से हो गया रात मॉक्स बेचारे कन्फ्यूज हो जा रहे कभी हम लोग जल रहे कभी जो अभी इसको मारना ही पड़ेगा भाई ये देखो अभी रात था अभी बुझा था अभी फिर जलने लग गया भाई क्या मस्त मज़ा आ रहा भाई हो चलो चलो स्टॉप वॉच बनाते हैं अपना जाके जल्दी से सो सोच हम लोग का स्टॉप वॉच बन चुका है सब सब सामान तो था ही हम लोग के पास और ये देखो यूज़ करते हैं देखते हैं यहाँ क्या होता है रुक गया मुआवस ओ भाई लिटरली मुआब्स रुक गया ये लोग सिर्फ अपना मुंडी हिला पा रहे हैं मूवमेंट लोग का बंद है ओह भाई ये सही हो गया ये देखो ये फिर हम लोग ठीक कर सकते टाइम उससे और भाई रियली में ऐसा हो जाता तो कितना मजा आ जाएगा तुम सिर्फ मूव कर सको और सारा दुनिया स्टॉप हो जाए भाई मज़ा आ जाएगा भाई कते जहर हो जाएगा ये ये माइनक्राफ्ट में इतना मस्त लग रहा तो रियल लाइफ में क्या वो देखो वो गिरते गिरते स्टॉप हो गया लेजर कहीं का अच्छा भाई इसको रिज्यूम करके नीचे गिराएंगे हम मेरा मजाक उड़ाता है भाई रुको रात होने तो मॉब से मस्ती लेंगे स्केलेटन क्रीपर जोम्बी स्पाइडर सबसे मस्ती लेंगे भाई सब पॉज हो चुके हैं रुको भाई खाली रात होने दो तो एक बार भाई हम लोग फिर से क्लॉक यूज़ कर चुके हैं और रात हो चुका है और ये देखो टाइम हैज़ बिन फ्रोजन और ये जॉम्बी के जॉम्बी के पास हम लोग जा रही है कुछ कर भी नहीं पा रहा हम लोग की तरफ आ भी नहीं पा रहा और ये खत्म भाई साफ़ कितना मस्त है सब कोई फ्रोज हो चुका है भाई कहते जहर भाई ये वाला यूज़ करके हम लोग एंड ड्रैगन को भी आराम से मार सकते हैं गाइज कुछ भी हम लोग कर सकते हैं लिटरली ओ, 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 एक सेकंड पर ये क्रीपर एक्टिवेट हो सकता है मतलब ये लोग अपना फंक्शन करेंगे पर अपना जगह पे फ्रोस रहेंगे हिल नहीं सकते ये देखो गाइज ये तीर मार रहा रुक जा रहा तीर हो भाई स्टॉप हो जा रहा स्केलेटन का चोपा बेचारा मेरे को छू भी नहीं पाएगा अपना तीर से मतलब इसका तीर मेरे को छू नहीं पाएगा और ये कदम भाई ओ भाई ओ ओ गलत गलत तीर से चढ़ना नहीं है नहीं तो लग जाएगा भाई मज़ा आएगा अगर अगर ये वाला यूज़ करिए हम लोग ड्रैगन को मारने जाएंगे तो क्या होने वाला है उन्हें वो देखना है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो इस वीडियो का लाइक है मैं फिफ्टी अगर लाइक एम आपका जितना जल्दी कंप्लीट होगा इस वीडियो के ऊपर उतना जल्दी आपको वो वाला वीडियो मिलेगा जब हम लोग एंडर मैन को मारने जाएंगे एक्सेलरेशन और ये वाला यूज़ करके टाइम स्टॉप वॉच यूज़ करके अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो मिलते नए वीडियो के साथ तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग